लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 अप्रैल से 1 जून तक चलने वाले ये चुनाव 7 चरणों में होंगे और वोटों की गिनती 4 जून को होगी। देश की चुनावी हलचल पर बात शुरू करने से पहले आज हम इस वीडियो में समझते हैं कि लोकसभा चुनाव आखिर है क्या और कौन इस चुनाव में वोट दे सकता है। लोकसभा चुनाव के माध्यम से आप सांसदों का चुनाव करते हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व 5 साल तक करेंगे। लोकसभा के चुनाव को आम चुनाव के नाम से भी जाना जाता है। लोकसभा चुनाव ये भी तय करते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। इन चुनाव में जीतने वाली पार्टी तय करती है कि वो किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगी। लोकसभा में हर राज्य का प्रतिनिधित्व होता है। एक राज्य में कितने लोग रहते हैं इसके आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या भी तय की जाती है। हर एक निर्वाचन क्षेत्र में से एक सदस्य को संसद सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना जाता है। लोकसभा, जिसे संसद सदन या संसद के निचले सदन के रूप में भी जाना जाता है, 550 सदस्यों से बनी है जो सभी राज्यों और क्षेत्रों में भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब लोकसभा चुनाव में कौन कौन मतदान कर सकता है, आइए थोड़ा इसे भी समझते हैं। 18 साल या उससे अधिक हर भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय, राज्य, जिला और साथ ही स्थानीय सरकारी निकाय चुनाव में वोट देने का अधिकार है। इसके लिए आपको अपने निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में खुद को मतदाता के रूप में पंजीकृत करना होगा। मतदाता सूची में पंजीकृत कराने के लिए जरूरी है कि आप भारत के नागरिक हो, आपकी उम्र 18 साल या उससे अधिक हो, आप मानसिक रूप से स्वस्थ हो, आप किसी भी तरह के अपराध करने के जुर्म में अदालत से दोषी न ठहराए गए हों, जैसे रिश्वत देने, किसी दूसरे के नाम पर मतदान करने, किसी को डरा धमका कर वोट देने से रोकने की कोशिश में, लोगों के बीच नफरत व हिंसा भड़काने में, चुनाव प्रक्रियाओं को रोकने या उससे जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने में। दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी हमारे सहयोगी संगठन न्याया द्वारा उपलब्ध कराई गई है। आप इस तरह की और भी जानकारी के लिए न्याया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। चुनाव से जुड़ी जानकारी जानने के लिए आप खबर लहरिया को फॉलो करें। मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खबर लहरिया को फॉलो करना मत भूलिएगा। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।